हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आइए आज हम सभी जानते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसका सेवन करने से बाल काले होते हैं, बालों की रूसी खत्म होती है, आंखों की रोशनी तेज बनती है, शरीर में खाया पिया अच्छी तरह से पचन हो जाता है और खून साफ हो जाता है, जिसके चलते सभी प्रकार के त्वचा रोग दूर होते हैं। ये दांतों के दर्द को दूर करता है, बवासीर नष्ट करता है और दस्त मिटाता है। दोस्तों इस पौधे का नाम है बथुआ। आइए हम सभी जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बथुआ का एक छोटा साकी पौधा होता है जो 1 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पत्रों का आकार विभिन्न आकार में होता है। ये कभी चतुष्कोणीय, कभी त्रिकोणाकार में भी और भालाकार में भी होता है। बथुआ को संस्कृत में क्षार पत्रम, चिल्लिका, क्षार दला और वास्तुकलम जैसे नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में बथुया, बथुआ और चिल्लिका साग तथा बथुआ साग से जानते हैं। इसका कन्नड़ नाम विलियम चिल्लिके तथा उड़िया में बथुआ से जानते हैं। इसे मराठी में चकवत और गुजराती में चिलनी भाजी कहते हैं। इसके अलावा पंजाबी में बाथू, लुणाक, नेपाली में बथू और बंगाली में बेतिया से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम लेम्बस क्वार्टर और वैज्ञानिक नाम किनोपोडियम एल्बम है। बथुआ का पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में अपने आप उत्पन्न होता है। ये गंगा के मैदानी भागों में, पंजाब में, खासी के पहाड़ी क्षेत्रों में और दक्कन में प्रायद्वीप में अधिक मात्रा में होता है। ये धान के खेतों में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। ये तीनों दोषों को शांत करता है। इसके अलावा आँखों के लिए हितकारी और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये अरुचि मिटाता है, रुचि को बढ़ाता है और हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसको खाने से बल की वृद्धि होती है और पेट की कृमि मिटती है। वैसे तो बथुआ अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, लेकिन ये खून साफ करने की सबसे बड़ी औषधि है। बथुआ के साथ 3 से 4 नीम की पत्तियां मिलाकर खाने से खून साफ हो जाता है। इसके अलावा बथुआ को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से तथा सब्जी खाने से अनेक प्रकार के त्वचा के रोग मिटते हैं। दोस्तों इसका काढ़ा दिन में 2 से 3 बार नियमित रूप से पीने से कुछ ही दिनों में फोड़े, पुंछी, दांत, खुजली जैसे रोग मिटते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका पहला प्रयोग है दांतों के दर्द को दूर करने का। बथुआ के बीजों को सुखाकर चूर्ण बनाकर दांतों पर रगड़ने से दांतों का दर्द दूर होता है और मसूड़ों की सूजन मिटती है। दोस्तों कई लोगों को पेट में कृमि की शिकायत रहती है। अगर पेट में कृमि हो गई हो तो बथुआ का ताजा रस निकालें और इसमें नमक मिलाकर 5 मिली की मात्रा में पिला दें। ये प्रयोग 3 से 4 दिनों तक करने से पेट की कृमि नष्ट हो जाती है। दोस्तों इसके पत्तों का साग बनाकर साथ में दही और अनार का रस मिलाकर तेल में पकाकर खाने से दस्त मिटता है। अगर किसी को नाक से खून बह रहा हो, जिसे नकसीर कहा जाता है, तो ऐसी समस्या में इसके बीजों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर साथ में शहद मिलाकर पिला दे। इस प्रयोग से कुछ ही समय में नाक से खून आना बंद हो जाता है। बथुआ का साग बनाकर घी में मिलाकर सेवन करने से पेचिश मिटती है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन होती है तो बथुआ के पत्तों को उबालकर पीसकर इसका रस निकालें और उस स्थान पर लगाएं। 2 से 3 बार ये प्रयोग करने से सूजन धीरे धीरे पीकर जाती है। बथुआ के पत्तों का रस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अग्नि से जले हुए स्थान पर इसका रस लगाने से जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों इसकी बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रोजाना खाने से रक्तपित्त में बहुत लाभ होता है। आयुर्वेद में बथुआ को रसायन के समान गुणकारी माना है। बथुआ की पत्तियों का साग बनाकर सेंधा नमक मिलाकर तक्र के साथ रोजाना खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। इसका प्रभाव रसायन के समान होता है। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पथरी को गला देता है। अगर किसी को पथरी की समस्या होती है तो बथुआ के ताजे पत्तों का रस निकालकर लगभग 1/2 गिलास की मात्रा में रोजाना खाली पेट पी जाए। ऐसा लगातार 8 से 10 दिनों तक करने से पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग अर्श और बवासीर से परेशान है। दोस्तों बवासीर होने पर बथुआ के ताजे पत्तों का रस बकरी के दूध के साथ मिलाकर खाने से
खूनी बवासीर मिटता है, यानी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। इसका साग बनाकर रोजाना खाने से अर्स में बहुत फायदा होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अधिक खून बह रहा हो, तो ऐसे में बथुआ की जड़ को पानी से अच्छी तरह से साफ करके 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर दूध में पकाकर 3 दिन तक लगातार पिला दे। इस प्रयोग से अधिक खून आना तुरंत बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।